दोस्तों अभी एक बीमारी थमी नहीं कि अमेरिका में दूसरी बीमारी का संक्रमण फैलने लगा है और यह बीमारी प्याज के कारण फैल रही है। इस बीमारी के चपेट में यहाँ लाल प्याज खाने के कारण बहुत से लोग आ गए हैं। अगर यह बीमारी भारत में आ जाता है तो क्या होगा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट जानकारी के अनुसार 60 लोगों को गंभीर हालत की स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जबकि अभी तक 400 से ज्यादा संक्रमित मामले आ चुके हैं और यह निरंतर जारी है। अमेरिका अभी हाल ही में कोरोना वायरस की महामारी से उबर ही रहा था कि इस बैक्टीरिया का कहर देखने को मिल रहा है। इस बैक्टीरिया का नाम है सेल्मोनेला और यह बेहद खतरनाक है। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को प्याज न खाने की हिदायत दी है, क्योंकि प्याज के माध्यम से ही सेल्मोनेला बैक्टीरिया तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं इस बैक्टीरिया से संक्रमित प्याज के खाने से क्या दिक्कत आती है। इस बैक्टीरिया से संक्रमित प्याज के खाने से व्यक्ति के शरीर का ताप तेजी से बढ़ने लगता है। इस कारण से तेज बुखार हो जाता है, उल्टी की समस्या होती है, डायरिया और पेट में तेज दर्द होने लगता है। एक्सपर्ट के मुताबिक सेल्मोनेला बैक्टीरिया का असर 6 घंटे से 6 दिन बाद तक भी होता है। इससे संक्रमित होने पर व्यक्ति 6 से 8 दिन तक बीमार रहता है और बेहतर इलाज ना मिलने पर मौत भी हो जाती है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक यह बैक्टीरिया 5 साल से कम उम्र और 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को आसानी से संक्रमित कर बीमार बना देता है। अभी तक अमेरिका के 34 राज्यों से 400 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि यदि सेल्मोनेला बैक्टीरिया द्वारा फैले संक्रमण का इलाज ठीक ढंग से समय पर ना किया जाए तो यह बैक्टीरिया फैलते हुए आंतों तक पहुंच जाता है और पूरे डाइजेशन सिस्टम को बुरी तरह से संक्रमित कर देता है। इस बीमारी के संक्रमण के मामले में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस समय अमेरिका के 34 राज्यों में फैले सेल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण लाल प्याज के खाने के कारण हुआ है, मगर सुरक्षा की दृष्टि से बाजार से सारे प्याज को वापस मंगवा लिया गया है। मगर राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक इस संक्रमण के मामले नहीं आए हैं, लेकिन अगर यह हमारे देश में फैला तो यह स्थिति और भयावह हो जाएगी, क्योंकि यहाँ लोग प्याज को लगभग रोजाना सुबह शाम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर यह इम्पोर्टेंट जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि लेटेस्ट हेल्थ अपडेट आपको सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगा। जल्द मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।